ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग की तरक्की के लिए गठित एक संसदीय कमेटी ने की है। कमेटी ने कहा है कि जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक उसी तरह क्रीमी लेयर की आय के दायरे में भी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है, हमारी संवाददाता अंजलि ओझा बता रही हैं। अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर की परिभाषा पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ये कहना है एक संसदीय समिति का। अन्य पिछड़े वर्गों पर बनी एक संसदीय समिति की रिपोर्ट जो कि लोकसभा में टेबल की गई, उसके अनुसार जो सीलिंग है आय की क्रीमी लेयर को तय करने के लिए, उस पर वक्त वक्त पर रिविजन नहीं हुआ है और ये सरकार के अपने ही नियमों के खिलाफ है। 1980 में मंडल कमीशन जो कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर के भारत में 52% जनसंख्या अन्य पिछड़े वर्गों से ताल्लुक रखती है। 27% आरक्षण दिया जाता है अन्य पिछड़े वर्गों को। वहीं 1993 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जिसने क्रीमी लेयर की परिभाषा दी थी। उस वक्त 1 लाख रुपये सालाना आय सीलिंग तय की गई थी क्रीमी लेयर के लिए। उसके बाद इसमें वक्त वक्त पर रिविजन हुआ। 2004 में ये सीलिंग 2.5 लाख रुपए कर दी गई। वहीं 2008 में इसे 4.5 लाख किया गया। 2013 में 6 लाख और 2017 में इस सीलिंग को बढ़ा करके 8 लाख रुपए सालाना आय कर दिया गया। लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो रिविजन हुआ वो सरकार के अपने ही प्रावधानों के हिसाब से नहीं था, जहाँ पर नियम था कि हर 3 साल पर रिविजन होगा, हर 3 साल पर रिविजन नहीं हुआ है और ये सरकार के अपने नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जहाँ एक तरफ 27% आरक्षण है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, वहीं ये सारे जो वैकेंसीज़ हैं वो फुल नहीं होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 21% से कुछ ज़्यादा पदों पर ही अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में समिति का कहना है कि जब अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सभी वैकेंसीज़ भरी नहीं जा रही हैं, ऐसे में क्रीमी लेयर की इतनी कड़ी परिभाषा क्या आवश्यक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री एक समिति बनाएगी इसके बाद, जिसके तहत क्रीमी लेयर की परिभाषा पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।